अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि ऐप ज़िले में जो ड्रिबल टास्क है उसको हम कैसे वेरीफाई करवाते हैं। तो उससे पहले आप जो है ऐप ज़िले को ओपन करें और उसमें जो ड्रिबल अकाउंट को वेरीफाई करने के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप देख लें। तो जैसे ही आप ऐप ज़ीरो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रिबल जो टास्क है वो नज़र आएगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाई योर ड्रिबल अकाउंट टू अनलॉक और ड्रिबल टास्क नज़र आएगा, इसको आपने ओके करना है। तो जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको जो वेरीफाई करवाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी तफसील आपको यहाँ पे नज़र आएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक प्रोफाइल फ़ोटो लगाना होगा और उसके बाद आपने अपना जो नेम है वो लिखना होगा, और उसके बाद आपको कम से कम 5 फॉलोइंग करने होंगे, 13 लाइक्स करने होंगे, और उसके बाद आपने कोई भी जो एक बायो है वो वहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपका यूज़र नेम होगा वो जब आप अपना टास्क सबमिट करेंगे तो एक जैसा होना चाहिए, अगर नेम चेंज हुआ तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ पे आपको वो सैंपल दिखा रहा है कि ये 2 स्क्रीनशॉट जो हैं आपने वेरीफाई करवाने के लिए सबमिट करने हैं। तो उसके बाद आपने जो है प्ले स्टोर में से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप साइन अप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको लेट्स गो नज़र आएगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर बाईं साइड पे 3 लाइनें नज़र आएंगी, तो आपने इन 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल नज़र आ रही होगी आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि आपका जो नेम है, आपकी जो लोकेशन है। यहाँ इस बात का ख्याल कीजिएगा कि आपका जो यूज़र नेम है वो आपने जब टास्क सबमिट करेंगे तो वही लिखना होगा। बायो में आप कुछ भी लिख दें, मिसाल के तौर पे आई एम हार्ड वर्किंग, या अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से 3 से 4 जो कैटेगरीज हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसमें से जो भी आपको कैटेगरीज नज़र आती है जो आपको अच्छी लगती है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने प्रोफाइल पिक्चर का इंतखाब करना है, तो चूज़ फाइल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मोबाइल की गैलरी में ले जाएगा, वहाँ से आपने जो भी पिक्चर सेलेक्ट करनी होगी उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद अपलोड नाउ के ऊपर क्लिक कर दें। तो इस तरह आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी सेट हो जाएगी। उसके बाद जब आप मेन पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पॉपुलर लिखा हुआ नज़र आएगा, तो आपने पॉपुलर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जो पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी प्रोफाइल पिक्चर की वो सेट हो गई है। तो अभी हमने जो फॉलोइंग है और जो लाइक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपको जो भी अकाउंट नज़र आएगा आपने उसकी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे फॉलो नज़र आएगा तो आपने फॉलो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, इसी तरह यहाँ पे जितने भी आपको ये पोस्ट नज़र आ रही हैं आपने जो उसकी प्रोफाइल पिक्चर है उसके ऊपर क्लिक करते रहना है, और जहाँ पे आपको फॉलो नज़र आए तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, जितने भी आपको फॉलो रिक्वायर्ड हैं, 5 हैं 6 हैं 7 हैं जितनी भी हैं, वो इसी तरह आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी फॉलोइंग की, जितने आपको रिक्वायर्ड होंगे वो जब आप कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपको यहाँ पे हर पोस्ट के नीचे एक छोटा सा दिल नज़र आ रहा होगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ जितने भी पोस्ट होंगे उन सब के नीचे आपको बाईं साइड पे छोटा सा दिल नज़र आ रहा होगा, तो आपने
उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपका जो लाइक है वो हो जाएगा। यहाँ जितने भी आपको लाइक जो रिक्वायर्ड हैं वेरीफाई के लिए, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, वो आपने यहाँ से कंप्लीट कर लेने हैं। फ्रेंड्स, आप ऐप ज़ीरो में जो भी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं लाइक्स की या फॉलोइंग की, अगर वो 10 बताता है तो आप कम से कम 15 लाजमी करें, अगर वो 20 बताता है तो आप 25 करें। तो इस तरह फ्रेंड, जब आपकी प्रोफाइल पिक्चर कंप्लीट हो जाए और लाइक्स कंप्लीट हो जाए, फॉलोइंग कंप्लीट हो जाए, तो आपकी जो प्रोफाइल है उसका एक आपने स्क्रीन शॉट ले लेना है, क्योंकि यही स्क्रीन शॉट आपने वेरीफाइंग के लिए सबमिट करना होगा। तो वहाँ पे आपको दो जो है वो स्क्रीन शॉट भेजने होंगे, तो यही स्क्रीन शॉट आपने दो बार भेजना होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि वापस वाओ ऐप में जाना है और वहाँ पे आपको सबमिट टास्क जो है वो नज़र आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड इमेज नज़र आएगा, तो आपने अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है और वो जो प्रोफाइल का स्क्रीन शॉट है वो आपने वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको फॉलोइंग और लाइक्स के लिए दोबारा वही स्क्रीन शॉट जो आपने लिया था उसी को सेलेक्ट करना होगा। अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से वो जो स्क्रीन शॉट था वो सेलेक्ट करें, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। और यहाँ पे जो आपका ड्रिबल यूज़र नेम है जो आपने वहाँ प्रोफाइल में लगाया था वही आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपको नीचे सबमिट नज़र आएगा, तो आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड जी, थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वाओ ऐप के बारे में मज़ीद जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।